तो मेरा निवेदन है कि मेरी बहनों को भी दिखने दें ताकि मैं बहनों से ठीक से बात कर सकूं। सामने से थोड़े हटना पड़ेगा, थोड़े साइड में रह के करें। हमारी महापौर बहन मालती राय जी, पूर्व महापौर, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष, वरिष्ठ नेता भाई आलोक शर्मा जी, प्रशासन के सभी अधिकारीगण और मेरी लाडली बहनाओं, आप सबको प्रणाम करता हूं। यहां पुलिस के मित्र भी हट जाएं, भाई बहन के बीच में कोई ना रहे, भाई इधर से हट जाएं। थोड़ी देर में बात कर लूंगा बहनों से। मेरी बहनों, आपने अभी गीत गा के भजन साइड में हटो ना, दिखने दो ना इनको भी। आपने भजन गा के अपने भाई को आशीर्वाद दिया है। मैं अपनी बहनों को वचन देता हूं कि जब तक मेरी सांस चलेगी मैं बहनों की भलाई के लिए काम करता रहूंगा। और बहनों के लिए काम करने की जरूरत है क्योंकि मैंने बहनों के साथ अन्याय होते हुए देखा है, बचपन से देखा है। ये जो मेरे दिल में प्रेम है बहनों के लिए, बेटियों के लिए, उसका कारण है, बचपन में मैंने देखा अपने घर में ही बेटा जन्म लेता था तो बधाइयां गाई जाती थी, गीत गाए जाते थे, खुशियां मनाई जाती थी, भैया आया है। और बेटी अगर पैदा हो गई तो चेहरा उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं आफत हो गई हो। अब मैं तब से सोचता था, ये मैं दिल की बात बता रहा हूं आपको, क्यों ये योजना बन रही है मैं दिल की बात बता रहा हूं। मेरी बहनों, मेरी आत्मा रोती थी कि भगवान ये अन्याय क्यों होता है। आखिर एक ही मां की कोख से बेटा भी पैदा होता है, बेटी भी पैदा होती है, लेकिन बेटियों से भेद क्यों किया जाता है। भैया कुल का दीपक, बुढ़ापे की लाठी का सहारा, अब सहारा बनेगा कि लठ मारेगा इसकी कोई गारंटी थोड़ी है बुढ़ापे में। लेकिन बेटी जब तक जिंदा रहेगी उसकी हर सांस अपने मां बाप के लिए चलेगी, माता पिता के लिए चलेगी। बोलो सही है कि नहीं। समाज इतना बेरहम कैसे हो गया। पति पत्नी में लड़ाई हुई तो मैंने देखा गांव में ही उठाया थप्पड़ मार दिया, और कोई तो डंडा भी मार देते थे, कोई कहता था निकल मेरे घर से। और मेरी आत्मा रोती थी कि अन्याय क्यों भगवान। दोनों को भगवान ने बनाया। मैं पुरुषों से कहता हूं, इंसानों से कहता हूं कि सोचो, क्या बेटी नहीं हुई तो दुनिया चलेगी। आप बताओ चल सकती है क्या दुनिया। बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे, ये भी बता दो। तो सृष्टि का चक्र पति पत्नी, बेटा बेटी, दोनों मिलके चलाते हैं, फिर महिलाओं के साथ अन्याय क्यों। और आप देखो, मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, मन में दर्द हो, आत्मा रोती थी। पहले आलोक यहां पे है मेरे साथ, जब मैं कुछ भी नहीं था, विधायक सांसद बना तो मैं बेटियों की शादी करता था अपने क्षेत्र में, गरीब कन्याओं की शादी, अपने पैसा, दोस्तों के पैसा मिला के। लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले मैंने तय किया कि गरीब बेटियों की शादी अब मामा करवाएगा, मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना बना दी। और अब 49,000 रुपया का सीधा चेक मिलेगा, बेटियों को शादी सामूहिक रूप से करते हैं, ताकि बेटी को बोझ मत मानो भाई, बेटी की शादी, अब मामा तो मुख्यमंत्री है, मैं करूंगा। फिर दूसरी लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, सबको पता ना लाडली लक्ष्मी के बारे में, लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। अरे भैया आन दो बेटी को, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, पांचवी पास करके छठवीं भी जाएगी, 2,000 लाडली बेटी को, आठवीं पास करके नौवीं भी जाएगी, 4,000
दसवीं पास करके ग्यारहवीं में जाएगी 6,000, बारहवीं में फिर 6,000, कॉलेज में जाएगी तो 12,500 दूंगा, और कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500 दूंगा, और बेटी अगर मेडिकल इंजीनियरिंग में जाएगी तो उसकी फीस भी मम्मी पापा नहीं, मामा ही भरवाएगा।